नमस्कार। जिन रोगियों की कोविड 19 जांच पॉजिटिव पाई गई है लेकिन जिनके कोई लक्षण नहीं या बहुत हल्के लक्षण हैं, हमने दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल द्वारा ऐसे लोगों के लिए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई है। सरकार के नए नियमों के अनुसार कोविड 19 संक्रमित लोगों के लिए अब घर में अलगाव संभव होगा, लेकिन हमें पहले यह समझ लेना चाहिए कि यह घर अलगाव किसके लिए लागू होता है। जिस रोगी के घर में एक अलग कमरा है जिसमें रोगी खुद को अलग कर सकता है, जिसमें अलग शौचालय और बाथरूम की सुविधा हो, ऐसे रोगियों के लिए अलगाव लागू है। घर अलगाव जिसके लिए रोगियों या व्यक्तियों का चयन किया जाएगा, ऐसे सभी मरीजों को एक अंडरटेकिंग भरना होगा। इसके बाद उनके हाथ पर स्टैंप मारा जाएगा। जिस तारीख तक आपको अलगाव में रहना है उस तारीख का उल्लेख किया जाएगा। याद रखें कि इस विशेष व्यक्ति या रोगी को उस तारीख तक कमरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इसका बहुत सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। लेकिन इन लोगों को समस्या होने पर क्या हो सकता है? यदि आपके पास सांस की तकलीफ है या 3 मिनट तक सीधे नहीं चल सकते हैं या शरीर में दर्द या तेज बुखार होने पर अस्पताल जाना चाहिए। किसी भी समस्या के मामले में आप अस्पताल की 24 घंटे की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 02040151600 है। 02040151600। पहली बार है जब आपको बुखार हुआ है या जिस दिन आपकी परीक्षण रिपोर्ट सकारात्मक आई है, आपको इस दिन से अगले 17 दिनों तक अलगाव में रहना होगा। दीनानाथ हॉस्पिटल कोविड आइसोलेशन ओपीडी में आपकी परीक्षा के बाद आपको कोविड सेल्फ केयर किट दी जाएगी। किट में फिंगरपल्स ऑक्सीमीटर, सर्जिकल मास्क, थर्मामीटर, सर्जिकल ग्लव्स, सोडियम हाइपोक्लोराइट एफर्वेसेंट टैबलेट शामिल है और प्लास्टिक निपटान बैग प्रदान किया जाएगा। इस मरीज के घर में 24 घंटे किसी अप्रभावित केयरटेकर को रहने की जरूरत है। इस व्यक्ति के मोबाइल पर आरोग्य सेतु या महाकवच ऐप को डाउनलोड कर इसकी ब्लूटूथ और लोकेशन सेवाएं लगातार ऑन मोड में रखनी चाहिए। इन रोगियों के रिश्तेदार अस्पताल या डॉक्टरों के लगातार संपर्क में होने चाहिए। किसी भी समस्या के मामले में रोगी को अस्पताल में लाया जाना चाहिए। आइए अब देखें कि अलगाव वाले मरीजों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आपको नियमित रूप से एक सर्जिकल ट्रिपल लेयर मास्क का उपयोग करना होगा। ट्रिपल लेयर मास्क का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसे हर 8 घंटे में बदलना होगा। यदि यह 8 घंटों में मास्क किसी भी कारण से गीला या खराब होता है तो इसे तुरंत बदल दें। सबसे पहले मास्क के बाहर और अंदर के भाग को समझें। मास्क में शीर्ष पर एक धातु पट्टी है। नाक और मुंह को पूरी तरह से ढक ले और पहले मास्क के ऊपर के बांध को लगाए। फिर निचले बांध को जोड़े ताकि चेहरे और मास्क के बीच कोई गैप न रहे। फिर अपनी उंगली से धातु की पट्टी को दबाकर पकड़ को कस ले। एक बार सर्जिकल मास्क का उपयोग करने के बाद आपको कम से कम 45 मिनट्स के लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल में भिगोना होगा और फिर इसे ठीक से निपटाना होगा। 1 लीटर पानी को एक साफ बर्तन में डालें। 3 सोडियम हाइपोक्लोराइट की गोलियां उसमें डालकर घर पर 1% सॉल्यूशन तैयार करें। मास्क हटाते समय पहले निचले बांध को हटाए और फिर ऊपर के बांध को छोड़े और बिना मास्क को हाथ लगाए मास्क को घर पर बने सॉल्यूशन में डिसइंफेक्ट करें, ताकि यह मास्क पूरी तरह से कीटाणु रहित हो सके। कम से कम 40 मिनट के लिए मास्क भिगोए। कीटाणु रहित मास्क और सर्जिकल ग्लव्स किट में प्रदान किए गए डिस्पोजेबल बैग में डालकर
इसे सील कर उचित तरीके से निस्तारण किया जाना चाहिए। दीनानाथ अस्पताल में पंजीकृत एक मरीज 17 दिनों में इकट्ठा हुए 1 किलो जैव कचरे को अस्पताल में दे सकते हैं। उस समय अपनी पंजीकरण रसीद लाना न भूलें। आप घर के अलगाव में रहते हुए अपने सामान को खुद साफ कीजिए। कम से कम 40 सेकंड के लिए साबुन और पानी से अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। यदि आप अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं तो इसे सूखे हाथों पर करें। आप ध्यान रखिए कि खुले में थूकना या खांसी नहीं करनी है। उचित आहार ले और खूब पानी पिए ताकि शरीर में पानी की सही मात्रा बरकरार रहे। यदि आपके घर में कोई वरिष्ठ व्यक्ति है और उनको उच्च रक्तदाब या मधुमेह या किडनी की बीमारी या हृदय रोग है तो आपको उनसे दूर रहना चाहिए। होम आइसोलेशन में आप अपने कमरे के फर्श और दरवाजे, बाथरूम के हैंडल, बाथरूम के नल, ये सब 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से खुद ही साफ करें। 5 लीटर पानी में 12 सोडियम हाइपोक्लोराइट की गोलियां डाल 1% सॉल्यूशन बनाकर पेशेंट खुद ही टॉयलेट, बाथरूम और रूम के फर्श साफ करे। ये सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से बेसिन का नल, बेसिन, टॉयलेट, कमोड और दरवाजे का नोब भी साफ करे। रोगी के अपने कपड़ों को कम से कम 45 मिनट तक साबुन के पानी में भिगोए। पैंतालीस मिनट के बाद नए ग्लव्स पहनकर वो कपड़े निकालकर और निचोड़कर धोने के लिए दे सकते हैं। अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई सभी दवाओं को ठीक से समय पर ले। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या हो जैसे तेज बुखार या शरीर में दर्द, या अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो तो तुरंत अस्पताल से संपर्क करने की आवश्यकता है। शरीर में ऑक्सीजन की निगरानी के लिए फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर चालू करें और इसमें इंडेक्स फिंगर या तर्जनी को रखकर हम ऑक्सीजन की मात्रा सही तरीके से जान सकते हैं। यदि लेवल 94% से कम है तो अपने चिकित्सक को तुरंत सूचित करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा थर्मामीटर की मदद से दिन में 2 बार अपने तापमान को मापना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तापमान 98.6 के ऊपर है तो तुरंत अस्पताल का संपर्क करें। रोगी को अपने कमरे में खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। रोगी लगातार सोने की बजाय थोड़ा जॉगिंग, योग या प्राणायाम आदि करें। इसके लिए दीनानाथ अस्पताल के YouTube चैनल पर सूक्ष्म योग और प्राणायाम का वीडियो अवश्य देखें। होम आइसोलेशन में मरीज के केयर टेकर और बाकी सदस्यों को भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उन्हें सर्जिकल ट्रिपल लेयर मास्क पहनने की भी आवश्यकता है। इस मास्क को रोगी की तरह ही हर 8 घंटे में बदले। रोगी के केयर टेकर को सर्जिकल ग्लव्स का उपयोग करना चाहिए। ग्लव्स पहनते समय बाहर की तरफ संपर्क का ध्यान रखें। काम के बाद बाहर की ओर बिना छुए ग्लव्स निकालें। इसे 1% हाइपोक्लोराइड में कीटाणु रहित करें। केयर टेकर को रोगी होम आइसोलेशन में सही उपचार प्राप्त करता है या नहीं यह देखने की आवश्यकता है। होम आइसोलेशन में रोगी को उसके कमरे में ही खाना दे। आपको रोगी के तौलिया और डिश को साफ करने के लिए ट्रिपल लेयर मास्क का उपयोग करना चाहिए। ये सब चीजें ठीक से साफ कर उनका पुनः उपयोग कर सकते हैं। रोगी के केयर टेकर दरवाजे के बाहर 1 स्टूल पर डिश रखकर वहां से दूर चले जाए। रोगी इसके बाद ही दरवाजा खोलकर डिश अंदर ले और तुरंत दरवाजा बंद करे। रोगी को अपने स्वयं के बर्तन साबुन से धोने और साफ करने चाहिए।
फिर एक नए ग्लव्स पहनकर डिश को वापस स्टूल पर रख दे और फिर से दरवाजा बंद कर दे। केयरटेकर नए ग्लव्स पहनकर इन्हें वापस ले सकते हैं। मरीज के केयरटेकर या हर कोई जो संपर्क में आता है उन्हें अपने स्वास्थ्य की स्वयं जांच करनी होगी। यदि उन्हें बुखार या कोविड के कोई अन्य लक्षण हैं तो तुरंत अपने स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।